बात आगे बढ़ाते हैं अल्लामा साहब, हैवानात की सरकार अलैहिस्सलाम से मोहब्बत, बड़े वाकयात हैं साहब। कहीं हिरनी नज़र आती है, कहीं ऊँट नज़र आते हैं, कहीं परिंद नज़र आते हैं, कहीं चरिंद, मतलब आप देखिए कहीं चूटियाँ आप देखें, कहीं चूटियाँ नज़र आती, बताइए। आलमी इंसानियत पर हैवानात की मोहब्बत को इसलिए आश्कार किया गया कि मैदान माशर में ये इंसान को उज़र पेश ना कर सके। अल्लाह तबारक व ताला तो फरमाएगा कि जब हैवान मेरे नबी से मोहब्बत करते थे जिन्हें कोई शऊर ही नहीं होता, बिल्कुल ठीक है, तो तुम कौन होते थे मेरे प्यारे महबूब के लिए बदखोई करने वाले, बदगोई करने वाले और बुरा कलाम करने वाले। तो हैवानात की जब बात आती है तो खैबर के याफूर की बात ना हो तो फिर लुत्फ नहीं। आहा, क्या खैबर फतह हो चुका है और हुजूर फखरे आलम के सामने माले गनीमत पेश किया गया है, हाय हाय हाय, और उसमें जो यहूदी की मिल्कियत में गधा था जिसको हम मोहब्बत में दराज गोश कहते हैं, उसको जब पेश किया गया तो उसको जंजीरें बंधी हुई थी और वो हुजूर फखरे आलम अलैहि सलातो व तस्लीम के हुजूर जब पेश हुआ तो उसके फरते मोहब्बत में जो है ना वो आंसू निकल रहे थे। अल्लाह हुजूर जाने रहमत से अर्ज गुजार हुआ, जैसे किबला डॉक्टर साहब ने फरमाया इन सब की ज़बानें होती हैं, हम नहीं जानते लेकिन नबी जानता है, क्योंकि नबी मालिक होता है और मालिक को अपने गुलाम की जबान का पता होता है। हुजूर फखरे आलम अलैहि सलातो वसलाम के सामने अर्ज करता है कि हुजूर मेरे जो आबा थे उसमें 60 गधे थे, वो इतने खुशनसीब थे कि उनके ऊपर नबियों ने सवारी की है और मैं एक जो है वो गैर मुस्लिम की मिल्कियत में हूँ, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि आखिरी नबी मेरे ऊपर सवारी करे और मेरी पीठ पर कोई और न बैठे। जब भी मालिक बैठने लगता था मैं उसको गिरा देता था, जब गिराता था तो वो मारता था। क्या इश्क था, क्या मोहब्बत थी। सिर्फ हजरत बिलाल हबशी नहीं जो है ना वो कोड़े नहीं खाए हैं, यहाँ तो हैवानों ने भी, जानवरों ने भी फखरे आलम के लिए कोड़े खाए हैं। अच्छा, याफूर जिंदा भी नहीं रहे ना फिर? जिंदा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दे के फौरन बाद जो है ऐसे हजूर फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तेरा नाम क्या, दो कहता यजीद इब्ने शिहाब, तो आप फरमाते हैं आज से तेरा नाम याफूर, याफूर है, याफूर हिरन को कहते हैं, तो कहा कि तुम आज से याफूर हो। और ऐसी मोहब्बत हजूर फखरे आलम से कि जाने रहमत अली सलाम अपने आस्थाने पर ले आए। अब ये बता दिया कि मुझसे तो जानवर भी मोहब्बत करें, हैवान भी मोहब्बत करें, तो मैं सिला देता हूं। ऐ बंदा ए इंसान, जब तू मुझसे मोहब्बत करेगा तो कितना सिला दिया जाएगा। वो जरा परिंदों का बताइए ना, वो परिंदों को जो कैद कर लिया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के हवाले से अब ये बात को मुकम्मल करना चाहूंगा कि याफूर जब हुजूर जाने रहमत किसी को बुलाना चाहते ना तो इन्हीं को भेजा करते थे, अपना सर दरवाजे पर लगा, और सहाबी जब देखते तो ये पता चल जाता कि हुजूर ने बुलाया। आगे आगे याफूर चलते, पीछे पीछे साबिये रसूल जाते। क्या कहने, और जब आपने विसाल फरमाया तो इश्क हो तो फिर ऐसा हो, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। मोहब्बत में खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया और एक कुएं में आपने छलांग लगा दी और वहीं पर जो है ना वो विसाल कर गए। अब हुजूर जाने रहमत अली सलाम सफर में जा रहे हैं तो वहां जो घोंसले से कुछ लोगों ने बच्चे उठा लिए तो चिड़िया हुजूर के कान के करीब आई और कुछ कहने लगी, तो जाने रहमत रुक गए और फरमाने लगे किसने इसको तकलीफ दी और इसका हक मारा है। कहा जी हमने इसके घोंसले से बच्चे उठाएगा, वहां पर रख दो, इसने तुम्हारी शिकायत मेरी बारगाह में लगाई है। तो वो जानती थी कि अगर मेरी कोई फरियाद रसी कर सकता है तो उसका नाम हजरत मोहम्मद रसूल। सुभान अल्लाह। वो हिरन का भी बताइए, वो जो आई थी सरकार ने सलाम की बात, और हुजूर जान बंदी भी जो थी। अब हुजूर फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गिरगटे आई हैं, हुजूर जाने रहमत के पास हैवानात आए हैं, हुजूर फखरे आलम के बारे में उस भेड़िए ने खबर दी है, जो भेड़िए ने खबर दी चरा रहा था और उसने बकरी को जो है ना वो जब उचक लिया और पीछे जब मालिक दौड़ा और उसने मुंह से खींच ली तो भेड़िया अपने पैरों के बल खड़े होकर कहता है कि कितनी हैरत की बात है, रब ने रिज़क दिया और तुमने छीन लिया। तो वो कहता है बड़ी अजीब बात है कि आज हैवान भी बातें बात कर लग गए हैं। तो क्या इससे अजीब बात यह है कि मदीने में जाओ, वहां वो पिछलों की भी बातें बताते हैं और अगलों की भी बातें बताते हैं। नबूवत की बात आ गई यहां पे। हां, वहां पर बता दिया कि वो अब आखिरी नबी आ गई है, इसके बाद कोई नहीं आने वाला, उससे कलाम करो, वो तुम्हें अर्श की बात बताएगा, वाँ वाँ। रब की बात बताएगा। अब हैवान कलाम कर रहा है और खबर दे रहा है हुजूर जाने रहमत के बारे में और बता रहा है कि शाने मुस्तफा क्या है, इज्जत मुस्तफा क्या है, नमूस मुस्तफा क्या है। और वो यहूदी दौड़ता हुआ आया हुजूर जाने रहमत के पास और अर्ज गुजार हुआ कि इस तरह भेड़िए ने कलाम किया और आपके बारे में बताया कि आप आखिरी नबी हो। तो नबी पाक ने जब कुरान सुनाया तो वही मुसलमान हो गया। ठीक,
और फिर यहाँ पर आखिर में ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि खैबर के मौका पर एक जो है वो हबशी हजूर फखर आलम के पास गुलाम आया और आकर अर्ज गुजार होता है, मुझे अगर मैं यहाँ पर लड़ूँ तो क्या मिलेगा? तो कहा तुझे जन्नत मिलेगी। कहा मैं जन्नत जाना चाहता हूँ लेकिन ये बकरियाँ अमानत हैं, ये कैसे जाएँ? तो हजूर ने फरमाया मेरे नाम पर इनको जो है ना वो कंकरियाँ फेंक दो, ये अपने घरों में खुद ही चली जाए। वो जानती थी कि ऑर्डर बिला वास्ता नहीं बिल वास्ता दिया जा रहा है, यानी एक गुलाम ऑर्डर दे रहा है कि घरों में चली जाओ, तो वो चली जाती हैं। तो हुज़ूर फ़ख़्र-ए-आलम के जो बिल जो बिला वास्ता ऑर्डर होंगे उस पर मखलूक कितनी अमल करे।